फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग खम्मा गणी, वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट। माय सेल्फ मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, उसी श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है बीकानेर का जूनागढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं बीकानेर के जूनागढ़ के निर्माण की कहानी से पढ़ना, फिर पढ़ेंगे विशेषताएं और फिर प्रमुख स्थल। देखिए, बीकानेर का जूनागढ़ जो है, पहले यहाँ पर एक छोटी सी टेकरी थी या छोटी सी गढ़ी थी, बाद में क्या बनेगा जूनागढ़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके लिए, इसके निर्माता के लिए। इस दुर्ग का निर्माण 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा करवाया गया। राव बीका राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक थे। उनके पुत्र जो अपने भाई के पक्ष में सिंहासन छोड़कर कहां चले आते हैं यहां पर, और कन्नी माता के आशीर्वाद से उन्होंने एक गढ़ी का निर्माण करवाया। इसे क्या नाम दिया गया, बीका जी की टेकरी। अर्थात राव बीका के द्वारा जूनागढ़ का निर्माण नहीं करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया बीका जी की टेकरी। और किसके आशीर्वाद से ये दुर्ग बना है, कन्नी माता के आशीर्वाद से। जन मान्यताओं को यदि मान लिया जाए तो ऐसा बताया गया कि जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव और बीकानेर के जूनागढ़ की नींव किसके द्वारा रखी गई, कन्नी माता के द्वारा रखी गई। तो राव बीका ने 1485 ईस्वी में बीका जी की टेकरी का निर्माण करवाया। कालांतर में 1589 की बात की जाए तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी। राय सिंह जी ने पुरानी नींव पर ही एक नया दुर्ग तैयार कर दिया या इसी दुर्ग का विस्तार कर दिया, तो इसका नाम क्या रखा गया, जूनागढ़। दयालदास जी की बात मानी जाए तो उसमें ये लिखा गया कि पुरानी नींव पर नए दुर्ग का विस्तार या निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जूनागढ़ रखा गया। यह दुर्ग एक चट्टान पर है, इस चट्टान का नाम है राती। राती क्या है, एक चट्टान है। और यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है यदि आप बात करते हैं तो इसकी श्रेणी है, यह स्थल दुर्ग है। और साथ ही साथ किस श्रेणी में आता है, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत दुर्ग है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, जमीन का जेवर नाम दिया गया। ये आपके हिंदू मुस्लिम जो स्थापत्य शैली है उससे बना है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली जो है आपको देखने के लिए मिलती है मैगजीन दुर्ग के अंदर भी। मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, जिसे हम अकबर का किला कहते हैं, वह पूरी तरह इस्लामिक पद्धति से निर्मित है। आमेर के महलों पर मुगल प्रभाव या फारसी प्रभाव देखने को मिलता है और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण आपको देखने के लिए मिलता है बीकानेर के जूनागढ़ में देखने को मिलता है। जूनागढ़ के लिए कहा गया कि सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो स्वयं ही बोलती है। किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है, बीकानेर के जूनागढ़ के संदर्भ में कहा गया है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का प्रभाव कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बीकानेर के जूनागढ़ पर। कहाँ पर अवस्थित है, राती नामक चट्टान पर। यहाँ पर मुल्तान, अजमेर और नागौर के रास्ते आकर मिलते हैं, वहां पर ये दुर्ग बना हुआ है। पहले यहाँ पर एक टेकरी थी जिसका नाम था बीका जी की टेकरी, क्योंकि निर्माता कौन थे, राव बीका। पुरानी गढ़ी के अवशेषों पर या नींव पर ही दुर्ग, नए दुर्ग का निर्माण किया गया या विस्तार किया गया। किसके समय में, तो जूनागढ़ किसके समय बनता है, राय सिंह जी के समय बनता है। और बीका जी की जब टेकरी बनती है तो निर्माण कार्य किसकी देखरेख में होता है, नापो जी की देखरेख में हुआ था। और रायचंद जी जब आते हैं, राय सिंह जी, तो उनके समय क्या होता है, कर्मचंद की देखरेख में ये दुर्ग बनकर तैयार होता है। अब हम पढ़ेंगे इस दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में। देखिए, एक तो हमने पढ़ा इसे क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है, इसकी विशेषता है। स्थल दुर्ग का अच्छा उदाहरण माना गया है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का प्रभाव है। प्रथम लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई है, तो प्रथम लिफ्ट हमारे बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर ही लगाई गई थी। बीकानेर के जूनागढ़ में यदि बात की जाती है तो ये हम फोर्ट मानते हैं, तो इसमें दोनों तरफ से प्रवेश द्वार है, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से एंट्री होती है। एक दरवाजे का नाम है कर्णपोल और एक का नाम है चांदपोल, दोनों अलग अलग तरफ से एंट्री होगी, एक पूर्व से और एक पश्चिम से। और इसके अलावा
जो है पांच आंतरिक दरवाजे मिलेंगे, जिसमें से प्रसिद्ध आपके कौन सा है? सूरज पोल। सूरज पोल पीले पत्थरों से बना हुआ है। जब यहाँ सूरज पोल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर दो प्रतिमाएं आपको दिखाई देगी। गजारूढ़ पाषाण प्रतिमा आपने पढ़ी है, ये किसकी है? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के बारे में जब हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, उस समय आपको पढ़ाया था चित्तौड़ दुर्ग में तीसरा शाखा होता है 1567 और 68, यानी 67 में युद्ध शुरू होगा, 68 में शाखा होता है। उस समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में हुआ था। अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनकी गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं कहां पर लगवाई? आगरा के किले के बाहर लगवाई, जिसे राय सिंह यहां पर लेकर आते हैं। वो कहां पर है? सूरज पोल के पास है। पांच आंतरिक दरवाजे हैं, दोनों तरफ से एंट्री होगी, पूर्व और पश्चिम से। कर्ण पोल और चांद पोल वो मेन दरवाजे हैं। फिर इसके बाद जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर एक महल बना है, इस महल का नाम है अनूप महल। क्या नाम है इसका? अनूप महल। महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया, ये है अनूप महल। अनूप सिंह जी द्वारा निर्मित होने के कारण क्या नाम दिया गया है? अनूप महल। बीकानेर के शासकों का राज तिलक यहाँ पर हुआ करता था, जैसा कि हमने पढ़ा आमेर के शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता था और जोधपुर के शासकों का राज तिलक श्रृंगार चौकी पर होता था। तो बीकानेर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? अनूप महल में। यहाँ पर आपको एक मिलेगा लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस कह दीजिए, महल कह दीजिए। बताया गया कि 1937 से पहले बीकानेर के शासक जूनागढ़ में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में एक दुर्ग या छोटे महल का निर्माण करवाया, उसे क्या नाम दिया गया? लालगढ़ पैलेस। और लालगढ़ पैलेस में फिर यहाँ का जो है शाही परिवार रहने लग जाता है। इसके अलावा आपको मिलेगा बादल महल। बादल महल बहुत सारी जगह पर है प्रसिद्ध, हमने पढ़ा कहाँ का है? कुंभलगढ़ का, जहाँ पर आपके क्या है, यहाँ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहाँ का जो बादल महल है वहाँ पर बादलों का आभास होता है। इसके अलावा फूल महल है, गज महल है, ये सब किसके अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे? बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने के लिए मिलता है, ये है 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर स्थित है, तो उत्तर लिखना है बीकानेर का जूनागढ़। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल यदि पूछी जाती है तब हमें उत्तर लिखना है मैं जोधपुर में कहां पर मंडोर बताना है। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां है? बीकानेर में। यहां पर आपको हैरम गणपति देखने के लिए मिलेंगे। भगवान गणपति का वाहन सदैव चूहा रहा है, यहाँ पर गणेश जी आपको शेर पर सवार दिखाई देंगे, उसे नाम दिया गया हैरम गणपति। और माँ सरस्वती की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में। यहाँ पर दो जल स्रोत हैं, इसका नाम है रामसर और एक का नाम है रानीसर। कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे जोधपुर के किले के अंदर रानीसर और पद्मसर है। यहाँ पर कौन कौन से है? रामसर और रानीसर, ये अथाह जल राशि के क्या है, कुएं है या जल स्रोत है। यहाँ पर आपको मिलेगा सूर सागर। सूर सागर ये भी झील टाइप की बनी हुई है, जिसका उद्घाटन श्रीमती वसुंधरा राजे ने किया, ये मतलब पहले से बनी हुई थी, इसका जीर्णोद्धार करवाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर बोटिंग स्टार्ट होती है, नौकायान प्रारंभ किसके समय होता है? हमारी भूतपूर्व सीएम साहिबा वसुंधरा जी के समय में। ये है सूर सागर। यहाँ पर एक वो क्लॉक टावर बना हुआ है, घंटाघर, इसका घंटाघर नाम है, इसको उंटाला घंटाघर कहा जाता है, डूंगर सिंह जी के समय बना हुआ है। इसके अलावा एक महल है हर मंदिर, यहाँ से रानियां राज की सवारी गणगौर वगैरह जो भी निकलती थी उसको देखा करती थी। तो ये आपके बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर स्थित प्रमुख महल मंदिर जो भी है आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बीकानेर के जूनागढ़ में देखने के लिए क्या मिलेगा? तो देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर महाराजा थे गंगा सिंह जी, हिजाइनेस महाराजा गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी का लड़ाकू विमान यदि आपको देखना है
तो महाराजा गंगा सिंह जी का लड़ाकू विमान वहां पर देखने के लिए मिलता है, बीकानेर के जूनागढ़ में देखने के लिए मिलता है। गंगा सिंह जी की 100 kg की एक पोशाक है वह आपको देखने के लिए कहां मिलती है, जूनागढ़ में। इनके जो सामान थे जो ये यूज में लेते थे वो डायरी पर्स वगैरह सब कुछ आपको गंगा सिंह जी का जो आर्टिकल्स हैं वो सब कहां देखने के लिए मिलेंगे, जूनागढ़ में देखने के लिए मिलेंगे। फिर राव बीका की बात करते हैं तो राव बीका जो है उनका एक तो चांदी का सिंहासन और इन्हीं का एक पलंग दोनों ही आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ये भी यहां पर देखने के मिलेंगे। इसके अलावा घोड़शाला, सिलहखाना जिसको हम क्या कहते हैं शस्त्रागार, यह भी हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, बीकानेर के जूनागढ़ में देखने के लिए मिलता है। ये है बीकानेर का जूनागढ़ जो कि स्थल दुर्ग की श्रेणी में सम्मिलित है और साथ ही साथ की श्रेणी में आता है, धनवंतर की श्रेणी में आता है। बीकानेर के जूनागढ़ में राय सिंह जी जैसी पर्सनैलिटी रही जिन्होंने अकबर को सेवा दी, इनके राय सिंह जी के भाई रहे कवि पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें गागरौन दुर्ग जागीर के रूप में मिला, वहां पर उन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी। तो ये था बीकानेर का जूनागढ़, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ, धन्यवाद।